हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। बुक का नाम है मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर और हमारे लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इसके अंदर एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसे जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले के अंदर जाता है। छोटे बच्चे नॉर्मली हम जानते हैं कि बहुत चंचल होते हैं, लेकिन जब वो अपने मम्मी पापा या माता पिता के साथ होता है तो उसे सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है मेले में। पर तभी क्या होता है, अचानक से उन चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके जो माता पिता है वो कहीं खो जाते हैं, तो उसे वही सब चीज़ें जो मेले में अवेलेबल होती है वो सब चीज़ें उसे बेरंग लगने लगती है। तो यहाँ पर एक बच्चे की भावनाओं का वर्णन करता है, वर्णन किया गया है राइटर ने, बच्चे की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बच्चे के बारे में कि क्या है, राइटर क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बता रहे हैं इस बच्चे के बारे में, या इस बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो अपने मम्मी पापा या माता पिता से अलग हो गया, या मेले के अंदर उसके जो माता पिता थे वो खो गए। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। हमारे लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक चाइल्ड, एक बच्चा गोज गया था टू ए फेयर, एक मेले में विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एक बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ मेले में गया था। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स टू स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। ही इज हैप्पी, वह बहुत ही खुश था, एंड एक्साइटेड मीन्स बहुत ज़्यादा उत्साहित था। वह खुश था और बहुत उत्साहित था। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वांट्स चाहता था तो स्वीट्स मैंने मिठाइयाँ एंड टॉयज खिलौने जो कि वहाँ पर डिस्प्लेड थे, प्रदर्शित थे, या वहाँ पर रखे हुए थे, या स्टॉल्स पर, दुकानों पर सजाए हुए थे। वो बहुत खुश था, उत्साहित था, और जो दुकानों पर वहाँ खिलौने और मिठाइयाँ रखी हुई थी वो उन सबको लेना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। बट लेकिन हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, डू नॉट बाय उसे खरीद कर, देम उसे खरीद कर नहीं देते हैं फॉर हिम उसके लिए। लेकिन जो उसके माता पिता है वो सारी चीज़ें उन्हें उस बच्चे के लिए खरीद कर नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। वाई क्यों, देन तभी डज ही रिफ्यूज, उसने मना किया, वैन जब समवन किसी और व्यक्ति ने, समवन एल्स किसी और व्यक्ति ने या किसी अन्य व्यक्ति ने जो उसके माता पिता के अलावा कोई और था, ऑफर प्रस्तावित किया, देन वो सब चीज़ें टू हिम उसे। और तभी थोड़ी देर बाद ही उसने उन सब चीज़ों को मना क्यों किया, जब क्या है उसके माता पिता है नहीं थे, तो किसी और आदमी ने उन्हें सब चीज़ें उसे प्रस्तावित की, ऑफर की कि ये ले ले बेटा, ये ले ले, तो उसने फिर से मना किया। तो ऐसा क्यों किया, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह बसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लेन्स एंड एलिज एमेजे गैली क्लैड ह्यूमनिटी। इट वॉज द फेस्टिवल, यह त्योहार था ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का, या बसंत ऋतु का त्यौहार। फ्रॉम द विंटरी शेड्स, सर्दी की छाया में, जो शीतल छाया थी उसके अंदर, ऑफ नैरो लेंस, नैरो संकड़ी, नैरो लेंस संकड़ी, एलेज गलियां, एमर्ज गैली क्लैड ह्यूमिनिटी, एमर्ज प्रतीत हो रही थी, ए गैली क्लैड ह्यूमिनिटी, बहुत ही यानी कि ढका हुआ ह्यूमिनिटी मानवता से। गैली मीन्स बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। जो गलियां थी वो सर्दी की छाया से, या सर्दी की ऋतु से जब उठने वाली छाया थी, पेड़ पौधों की छाया थी, वो हल्की हल्की ठंडी ठंडी छाया से गलियां बहुत ही सुंदर और मानवता से ढकी हुई प्रतीत हो रही थी। सम वॉक, कुछ लोग चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज, रोड मीन्स सवारी कर रहे थे, ऑन हॉर्सेज घोड़ों की। अदर सेट कुछ बैठे थे, बींग कैरिड इन बम्बू, कुछ लोग बांस के बम्बू पे, या बांस के बम्बू पे, या बांस पे कुछ ले जा रहे थे, एंड ग्लोकार्ट्स, और कुछ लोग गाड़ियों पे
जा रही थी। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। वन लिटिल बॉय एक छोटा सा लड़का रन दौड़ा बिटवीन हिज फादर्स लेग्स अपने पिताजी की टांगों के बीच में से ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर जीवन और हंसी के उत्साह से भरा हुआ। जीवन और हंसी के उत्साह से भरा हुआ या बहुत ज़्यादा उत्साहित मेले में जाने की उत्सुकता लिए हुए वो बच्चा अपने पिताजी की टांगों के बीच में से दौड़ा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे इधर आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। एज ही लेफ्ट बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लेंड द वे। एज ही लेफ्ट बिहाइंड, जैसे कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि जो फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मैंने आकर्षित होना, बाय द टॉयज खिलौनों से इन द शॉप्स जो कि एक दुकान पर लीन मीन्स पड़े हुए थे इन द वे रास्ते के अंदर। वो एक खिलौनों की दुकान के ऊपर जो कि खिलौने पड़े थे उनकी तरफ आकर्षित होता हुआ जा रहा था। जो दुकान कहाँ थी, रास्ते के अंदर आ रही थी। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, ही हरीड, वह जल्दी से टुवार्ड्स की तरफ, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की तरफ मुड़ा, वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ मुड़ा। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर थे ओबीडेंट मीन्स आज्ञा मानना, टू देयर कॉल उनकी आवाज की या उनकी पुकार की, और उसके पैरों ने उनकी उसके माता पिता के पुकार की आज्ञा मानी। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन जो उसकी आंखें थी, हिज आईज स्टिल अभी तक लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स टिकी हुई थी या रुकी हुई थी, वहां अभी तक अटकी हुई थी ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जो कि खिलौने वहां पर पड़े हुए थे, वहां पड़े हुए खिलौनों पर। उसके पैरों ने तो उसके माता पिता की पुकार की आज्ञा मानी, लेकिन जो खिलौने वहां पड़े हुए थे उनके ऊपर उसकी नजरें वहीं पर अटकी हुई रही। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, एज ही कम, जैसे ही वह आया, वेयर कहाँ, दे हैड टू स्टॉप, रुके थे टू वेट फॉर हिम, उसके इंतजार के लिए, जहां पर उसके माता पिता उसके इंतजार के लिए रुके थे वह वहां पर वापिस आया। ही कुड सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट एवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दीज इन देयर आइज। एज ही कम, जैसे ही वह वहाँ आया उनके पास जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, उनकी जो इच्छा थी ऑफ हिज हार्ट, उसकी हृदय की इच्छा थी, जो उस बच्चे की हृदय की इच्छा थी, उसका उन्होंने क्या नहीं किया, सम्मान नहीं किया या उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एवन दो यद्यपि ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह जानता था कि द ओल्ड, जैसे कि पहले की तरह कोल्ड स्टेयर, एक ठंडे तरीके से घूरना या चुपचाप बिना बोले घूरना ऑफ रिफ्यूजल, मना करने के तरीके से इन देयर आइज, आंखों ही आंखों में, और जैसे कि वह जानता था कि पहले की तरह उन माता पिता ने उसे मना करने के तरीके से या बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में उसे घूरना शुरू किया। आई वांट देयर टॉय, ही प्लीडेड, आई वांट, मैं चाहता हूँ, ये मुझे चाहिए, देयर टॉयज, यह खिलौना, ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की कि मुझे यह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड, उसके पिताजी ने लुक देखा एट हिम उसकी तरफ रेड आईड मीन्स लाल आंखें, अर्थात गुस्सा होकर, उसके पिताजी ने उसकी तरफ गुस्सा होकर देखा। इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, जैसे कि पहले के फैमिलियर मैंने चिर परिचित तरीके से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, लुक चाइल्ड वट इज बिफोर यू। हिज मदर, उसकी जो माता थी, मेल्टेड थोड़ा पिघली बाय द फ्री स्पिरिट, जो कि आज़ाद आत्मा थी, ऑफ द डे, उस दिन, वॉज टेंडर, सही तरीके से, एंड और गिविंग हिम हर फिंगर, लेकिन उसके जो माँ थी बच्चे की, उसकी माता जी जो थे, उसकी माँ थोड़ी उसके लिए पिघली, जो कि उस बच्चे के लिए एक आजाद आत्मा की तरह प्रतीत हो रही थी। गिविंग हिम हर फिंगर, उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए, टू होल्ड, पकड़ने के लिए कहते हुए कहा, सेड, लुक, देखो,
चाइल्ड बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, लेकिन इससे पहले क्या? इट वॉज ए फ्लॉवरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ एवन लैंड। यानी कि जो उसकी माँ है उस बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि इट वॉज ए फ्लॉवरिंग मस्टर्ड फील्ड। यह क्या है? फ्लॉवरिंग जो फूल है, मस्टर्ड फील्ड मैंने सरसों के खेतों के, यहाँ देखो सरसों के खेतों के कितने सारे फूल हैं, इतने सारे जो फूल हैं ये पेल्स इतने पीले हैं और लाइक की तरह लग रही हैं जैसे कि क्या हो, मेल्टिंग गोल्ड यानी कि पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट मानो कि इन्हें, स्वेप्ट मैंने इकट्ठा करना, एक्रोस मील एंड मिल्स मिलों तक बिखरे हुए ऑफ एवन लैंड्स पूरी भूमि पर। ये जो पीले पीले फूलों वाले सरसों के खेत के जो बड़े बड़े जो सरसों के खेत है, यहाँ ऐसा लगता है कि जो सोना है वो एकदम पिघला हुआ है और उसे मीलों तक पिघले हुए सोने को जमीन पर इकट्ठा करने वाला है। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गली पर्पल विंग्स। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन, एक ग्रुप, एक बड़ा सा झुंड ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन का फ्लाइज मैंने उड़ता हुआ, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर, बस्टलिंग मैंने बहुत ज़्यादा हलचल करते हुए, अबाउट ऑन देयर गोडी पर्पल विंग्स। गोडी मैंने चमकीला या भड़कीला, पर्पल बैंगनी विंग्स, पंखों वाला, चमकीले और भड़कीले पंखों वाला एक बहुत ही ड्रैगन का बड़ा झुंड हलचल करता हुआ वहां आया और इंटरसेप्टिंग मैंने दखल अंदाजी करना द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, जो कि काली मधुमक्खियों का बड़ा सारा झुंड वहां घूम रहा था और बटरफ्लाई मधुमक्खियों का भी, जो कि इन सर्च ऑफ स्वीटनेस मधुरता की या मधु की, शहद की, उन फूलों का रस जो फ्रॉम द फ्लावर्स खेतों में, जो कि सरसों के खेतों में फूल थे उनके फूलों की मधुरता को या मधु को इकट्ठा करने के लिए, उनके रस को इकट्ठा करने के लिए बटरफ्लाई और मधुमक्खी और तितलियों का जो बड़ा सा झुंड वहाँ घूम रहा था उनके अंदर दखल अंदाजी करता हुआ एक ड्रैगन का बड़ा सा झुंड बहुत ज़्यादा हलचल करता हुआ और नीले चमकीले भड़कीले बैंगनी पंखों वाला वहाँ ड्रैगन का झुंड आया। द चाइल्ड फॉलोड दम them in the air with his gaze. The child बच्चा followed them उनके पीछे पीछे चल पड़ा in the air हवा में with his gaze उनकी चमक के साथ या अपनी आंखों की चमक के साथ till one of them would still its wings till तब तक one of them एक ने एक का would still अभी तक its wing उसके पंख and or rest रुके थोड़ी देर के लिए एंड ही वुड ट्राई, वह कोशिश करे टू कैच इट, इसे पकड़ने के लिए। तब तक वो बच्चा क्या है, उनके पीछे जो क्या था, ड्रैगन का झुंड था, उनके पास वहाँ पहुँच चुका था कि कब वो जो ड्रैगन है उनके पंख है, इट्स विंग्स इनके पंख है जो थोड़ी देर के लिए रुके, रेस्ट में नहीं रुके, और जो बच्चा है वो उसे कैच पकड़ने की कोशिश करने लगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, बट लेकिन इट वुड गो, लेकिन यह जा रहे थे, वुड गो मीन्स उड़ते ही जा रहे थे, फ्लटरिंग लहराते हुए एंड और फ्लैपिंग फड़फड़ाते हुए अप इन टू द एयर हवा के अंदर, लेकिन यह अपने पंखों को हवा के अंदर लगभग फहराते हुए फड़फड़ाते हुए उड़ते जा रहे थे। बट इन टू द एयर लेकिन when he had almost caught it, when he had almost लगभग caught it, इसे पकड़ने ही वाला था, on his hands अपने हाथों से, then his mother gave a cautionary call, then तभी his mother उसकी माँ ने gave दिया एक cautionary call, मैंने चेतावनी भरी पुकार, वो लगभग उन पंखों को पकड़ने ही वाला था तभी उसकी माँ ने उसे एक चेतावनी भरी पुकार लगाई, come child come onto the footpath, come child come, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ रास्ते पर आओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैलियन वॉक एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल बीइंग हाउएवर ही रैन टुवर्ड्स, वह उनकी तरफ दौड़ा, हिज पेरेंट्स जहाँ उनके उसके माता पिता गैलियन वॉक
चल रहे थे एबिस्ट ऑफ देम, जहां पर उसके माता पिता लगभग लगातार उसका इंतजार करते हुए चल रहे थे फॉर ए वाइल, काफी समय से। बींग हाउएवर, यद्यपि सून लेफ्ट बिहाइंड, वह शीघ्र ही पीछे छूट गई, अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। लेकिन शीघ्र जल्दी उसे क्या है, उसके माता पिता फिर से सुन शीघ्र ही लेफ्ट छूट गए बिहाइंड, पीछे वो वापस छूट गए, क्योंकि वो फिर से आकर्षित हो गया था किसकी तरफ, लिटिल इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीड़े जो थे वहाँ, इंसेक्ट्स कीड़े और वर्म्स मकोड़े अलोंग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के रास्ते के आसपास, फुटपाथ के आसपास जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूम रहे थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग पैलेसेज, टीमिंग आउट मीन्स बाहर आ चुके थे देयर हाइडिंग पैलेसेज, अपनी छुपने की जगहों से अर्थात अपने घरों से, टू इंजॉय द सनशाइन, धूप को इंजॉय करने के लिए या धूप ग्रहण करने के लिए। कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि धूप ग्रहण करने के लिए अपने घरों से बाहर आ गए थे या अपने बिलों से बाहर आ गए थे जो कि फुटपाथ पर था, वो फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ और उनके लग गया, क्योंकि उसे तो कोई ना कोई काम मिलना था, ढूंढना था उसे, वो कोई ना कोई काम मिल ही जाता था करने के लिए। और जैसे ही वो उस काम लगता है तो उसके जो माता पिता है वो आगे निकल जाते हैं और फिर से उस काम के अंदर बिजी होकर वो उनसे पिछड़ जाता, पीछे रह जाता। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए बेल। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने कार्ल बुलाया फ्रॉम द शेड, एक छाया में, ऑफ ए ग्रोव पुंज वेयर, जहाँ दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ पर वे स्वयं बैठे हुए थे, ऑन द एज, किनारे पर, ऑफ ए बेल, कुएं के, जहाँ पर वो एक कुएं के किनारे पर एक कुंज का जो पेड़ था उसकी छाया के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने फिर से वहाँ अपने बच्चों को फिर से आवाज लगाई, पुकारा कि आओ बच्चे आओ। ही रन टुवर्ड्स देम, वह फिर से दौड़ा, उनकी तरफ दौड़ा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब उसे फिर से कोई ना कोई नया काम मिल गया, वो आगे, ए शावर, एक बहुत बड़ी फुहार ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फूलों की, फेल अपॉन, उसके ऊपर गिरी, द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, उसके ऊपर फिर से एक, जब वो वहां से गुजरने लगा पेड़ के नीचे से, तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे फूलों की फुहार है वो उसके ऊपर गिरी। एज ही एंटर्ड, जैसे ही उसने प्रवेश किया द ग्रोव, कुंज के पेड़ के नीचे, एंड फॉरगेटिंग, भूल गया, और वो जैसे ही फुहार उसके ऊपर गिरी तो वो फिर से अपने पेरेंट्स को भूल गया। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पेटल, और ही बिगेन, उसने फिर से शुरू कर दिया द गैदर, इकट्ठा करना, द रनिंग पेटल्स, जो कि उसके ऊपर पेटल्स मैंने पंखुड़ियाँ, उन जो फूलों की पंखुड़ियाँ उसके ऊपर गिर रही थी उन्हें फिर से इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो, ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। बट लेकिन लो, ही हियर्ड, अचानक ही उसने सुनी द कूइंग, कू क्या, आवाज ऑफ डव्स, मैंने फाख्ता की, शीघ्र ही उसने, लेकिन शीघ्र ही उसने फाख्ता के बोलने की आवाज सुनी, एंड ओ रन, दौड़ा टुवर्ड्स की तरफ, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ। और इस बार क्या है, फाख्ता की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया और उसे अपने मम्मी पापा याद आए, वो अपने माता पिता की तरफ फिर से दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, द डव, फाख्ता, फाख्ता, द रनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, द रनिंग पेटल्स, रनिंग, जो पंखुड़ियां थी वो ड्रॉप्ड, फिर से गिर रही थी, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन, भूल से, हैंड्स, उसके हाथों से। अब वो क्या है, फाख्ता के लिए आगे उसकी तरफ देखने लगा, आगे सोचने लगा, और उसके हाथों में जो बहती हुई या गिरती हुई पंखुड़ियां उसने इकट्ठी की थी वो फिर से गिरने लगी, क्योंकि वो भूल गया था कि मेरे हाथ में पंखुड़ियां भी हैं, और आगे फाख्ता की तरफ दौड़ने लगा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, द कॉल टू द चाइल्ड, वे अपने बच्चे को लगातार पुकार रहे थे, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड चैपर राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर
दो द मस्टर्ड फील्ड हु जो कि हैड नाउ गॉन रनिंग जो कि अब चल रहे थे इन द वाइल्ड चैपर राउंड जो कि विल्ड जंगली कैपर साउंड मोज मसी द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के जो कि क्या है बरगद के पेड़ के पास अपनी मौज मस्ती में ही दौड़ता हुआ चला जा रहा था एंड और गैदरिंग इकट्ठे हो रहे थे हिम अप दे टुक द नैरो और वो वहाँ बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए नैरो संकड़े वाइडिंग हवा वाले फुटपाथ रास्ते पे और वो एक वो रास्ता था जहाँ पर क्या है वो रास्ता एकदम संकड़ा था वाइडिंग बहुत ज़्यादा हवा वाला एकदम हवादार फुटपाथ रास्ता विच लेड जो कि उसे ले जा रहा था टू द फेयर मेले की तरफ जहाँ पर मेला लगा हुआ था तो द मस्टर्ड फील्ड थ्रो में से गुजरते हुए द मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेतों में से और वे लोग है जो सरसों के खेतों में से जो गुजरता हुआ एक रास्ता था जो कि संकड़ा और हवादार रास्ता था वहाँ बनियान के पेड़ के बरगद के पेड़ के नीचे से मौज मस्ती करते हुए चले जा रहे थे As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, converging to the whirlpool of the fair. As they neared, जैसे ही वे पास पहुंचे the village गांव के the child बच्चा could see many other footpaths अनेक रास्ते देखे full of throngs, converging to the whirlpool of the fair. जो कि बहुत ज़्यादा थ्रॉन्ग्स मैंने भीड़ भरे थे कवरिंग एकदम से ढके हुए थे टू द वाइल्ड पूल भीड़ भाड़ वाले ऑफ द मेले के मेले से जैसे ही वो बच्चा वहाँ मेले के पास पहुँचा गांव में पहुँचा तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ पर बहुत सारे रास्ते थे और जो कि क्या है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले थ्रॉन्ग्स मैंने भीड़ भाड़ वाले थे कवरिंग ढके हुए बहुत सारी ज़्यादा भीड़ से एंड फेल्ट एट वंस रिपील्ड and fascinated by the confusion of the world he was entering and or felt mehsoos ki at once ek bar usne repelled and fascinated means repelled meaning piche dhakelna and fascinated mohit aakarshit hona by the confusion aashray se of the world sansar se he was entering jaise ki vah प्रवेश कर रहा था या आगे बढ़ रहा था जिस तरह वह उस मेले में आगे बढ़ रहा था तो वह स्वयं को महसूस कर रहा था जैसे कि संसार जो है उसे रिपेल्ड कर रहा है पीछे धकेल रहा है एक बार उसने ऐसा महसूस किया कि वो उससे मोहित होकर मेले से मोहित होकर संसार उसे पीछे धकेल रहा है ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड अचानक ही एक स्वीट मीट जो कि मिठाई वाला था मिठाई सेलर बेचने वाला स्वीट मीट सेलर जो था उसने हॉक्ड मैंने आवाज दी गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स एक जो मिठाई वाला था वो जोर जोर से हॉक्ड कर रहा था आवाजें लगा रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी इत्यादि एट द कॉर्नर कोने पर ऑफ द एंट्रेंस प्रवेश द्वार के कोने पर ही एंड और एक क्राउड एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि प्रेस्ड मैंने दबाव दे रही थी राउंड के चारों ओर हिज काउंटर उसके काउंटर के चारों ओर या उसकी दुकान के गेट क्या प्रवेश द्वार के चारों ओर वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी इकट्ठी हो चुकी थी आगे जाने के लिए दबाव दे रही थी एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट्स और वहाँ पर क्या है पास ही में नीचे आर्किटेक्चर मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था ऑफ मैनी कलर्ड अनेक तरीके से अनेक रंगों की स्वीट्स मिठाई आर्किटेक्ट मैंने नमूना वहाँ पर उसने नीचे पैरों की तरफ कुछ मिठाइयों के विशेष नमूने जो है वहाँ सजा रखे थे डेकोरेटेड सजा रखे थे विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड सोने और चांदी की पंखुड़ियों जैसे उसने वहाँ सजा रखे थे या सोने और चांदी की पत्तियाँ लगाकर उसने वहाँ सजा रखी थी कुछ बहुत सारी अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ द चाइल्ड स्टेड ओपन आईड एंड हिज माउथ वाटरिंग फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट आई वांट दैट बर्फी द चाइल्ड बच्चा स्टार्टेड ओपन आईड उसने अपनी अपनी बड़ी बड़ी आँखें खोली एंड हिज माउथ अपना मुँह वाटर्ड
मैंने लालायित होना या उस मिठाई की तरफ लालायित होकर पानी भराना होगा बर्फी बर्फी के लिए। उस बच्चे ने वो मिठाई देखकर जो कि वहां पड़ी थी बर्फी उसे देखकर ललायत होकर बड़ी बड़ी आंखें खोली और अपना मुंह पानी से भरते हुए कहा कि बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट, जो कि उसकी फेवरेट थी यानी कि पसंदीदा मिठाई थी, फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, मर्मर्ड मैंने बड़बड़ाया, वह धीरे धीरे बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह थोड़ा बहुत कहीं यह भी जानता था कि एज ही बेग्ड, जैसे ही वह प्रार्थना करेगा या कहेगा, दैट की हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसकी जो प्रार्थना है वो वुड नॉट बी हीडेड, नहीं मानी जाएगी। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता वुड से ही वाज ग्रीडी, उसके माता पिता है वो कहते हैं कि वह क्या है, ग्रीडी है अर्थात लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी इंतजार के वह वहां से, बिना इंतजार की और बिना कुछ जवाब के वह वहां से चला गया। ए फ्लोवर सेलर हॉक, तभी एक जो फ्लोवर सेलर था, एक फूल विक्रेता था, वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था। हॉक मैंने आवाज लगाना जोर जोर से। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, गार्लैंड मैंने गुलदस्ता, ऑफ गुलमोर, गुलमोर का, गुलमोर का एक गुलदस्ता, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा था वो सीम्ड प्रतीत हुआ इरेसिस्टिबली, मीन्स न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची जाना, जो बच्चा था वो न चाहते हुए उसकी तरफ खींचा चला गया। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, ही वेंट गया टुवार्ड्स की तरफ द बास्केट, जो कि वहाँ पर एक टोकरी पड़ी हुई थी, वेयर जहाँ द फ्लावर्स बहुत सारे फूल ले पड़े हुए थे, हीप्ड ढेर के अंदर, वह न जाते हुए भी उस टोकरी की तरफ मुड़ा जहाँ पर फूलों की बहुत सारा ढेर लगा हुआ था या फूल है जो बहुत सारे ढेर के अंदर पड़े थे। एंड और हाफ मर्मर्ड, और वह थोड़ा सा बुड़बुड़ाया, बड़बड़ाया था, धीरे धीरे बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे यह गार्लैंड चाहिए या मुझे यह गुलदस्ता चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, बट लेकिन ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह जानता था कि जो हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता है, वुड रिफ्यूज, मना कर देंगे टू बाय हिम, उसे खरीदने से। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके जो माता पिता है वो इसे खरीदने से मना कर देंगे, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे कि देवर चीप, वे बहुत ही क्या है, घटिया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए एन आंसर, किसी जवाब का, और इसलिए वो बिना किसी जवाब का इंतजार किए ही मूव्ड ऑन, वह फिर से आगे चला गया। आज की क्लास में अगर इंजॉय किया, लेसन अच्छा लगा आपको, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पार्ट सेकंड, बाकी बचा हुआ लेसन हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में हम आगे देखते हैं कि उसके साथ क्या होगा, कि अभी तक तो वो बच्चा अपने खेल में घुमा हुआ था, बार बार वो मेले में जो बहुत सारी स्टॉल्स लगी है उन चीज़ों को देखकर मोहित हो जाता है और उनकी तरफ भाग जाता है। लेकिन अब आगे नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि वो बच्चा उन चीज़ों को देखते देखते अपने माता पिता को कैसे खो देता है और बाद में उसे वह सब चीज़ें कैसे बेरंग लगने लगती है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।